हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। आज मैं आप सब से बहुत खूबसूरत बातें, बहुत सुंदर बातें शेयर करने वाली हूँ। और मैंने कहीं पे एक्चुअली पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूँ। अगर बातें मेरे दिल को छू गई है तो आपके दिल को भी छू जाएगी, लेकिन उसके लिए बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। कान से सुन के दिल तक पहुँचे, इतना ध्यान से सुनना पड़ेगा। जिस पल आपकी मृत्यु हो जाती है, उसी पल से आपकी पहचान एक बॉडी बन जाती है। अरे बॉडी लेकर आइए, बॉडी को उठाइए, ऐसे शब्दों से आपको पुकारा जाता है। वो लोग भी आपको आपके नाम से नहीं पुकारते जिन्हें प्रभावित करने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी। इसलिए जीवन में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करें, अपने पसंद की चीजों के लिए खर्च करें, इतना हंसिए कि पेट दर्द हो जाए। आप कितना भी बुरा नाचते हो फिर भी नाचिए, उस खुशी को महसूस कीजिए। फोटोज के लिए पागलों वाली पोज दीजिए, बिल्कुल छोटे बच्चे बन जाइए, क्योंकि मृत्यु जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस नहीं है। लॉस तो वो है कि जिंदा होकर भी आपके अंदर जिंदगी जीने की आस खत्म हो चुकी हो। हर पल खुशी से जीने को ही जिंदगी कहते हैं। जिंदगी है छोटी पर हर पल में खुश हूँ। काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ। आज पनीर नहीं तो दाल में खुश हूँ। आज गाड़ी नहीं तो पैदल ही खुश हूँ। दोस्तों का साथ नहीं, अकेला ही खुश हूँ। आज कोई नाराज है उसके इस अंदाज से ही खुश हूँ। जिसको देख नहीं सकते उसकी आवाज से ही खुश हूँ। कितना अच्छा लिखा है ना। कुछ लोगों को ये बात गलत लगेगी। आप लोगों में से कुछ लोग शायद बोलेंगे कि बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। जब मुश्किल की घड़ियाँ आती है तब खुश रहना मुश्किल हो जाता है। बात सही है। बहुत तो ऐसा वक्त आता है जब इतनी मुसीबत होती है कि हम चाहे खुश रहना तो भी नहीं रह पाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपके आसपास में भी आप लोग देखे होंगे कि इतना सब कुछ है उनके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ बात को लेके रोना, कुछ ना कुछ बात को लेके शिकायत करना। उनकी लाइफ में शिकायतें कम ही नहीं होती है। और तो और खुद दुखी रहते हैं, उनके कांटेक्ट में जो लोग आते हैं उनको भी दुखी कर देते हैं। ऑब्वियसली जब आप खुद खुश नहीं हो तो आप दूसरों को कैसे खुश कर पाएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है खुद खुश रहो। जब मुश्किल की घड़ियाँ आती है तभी भी, मेरी लाइफ में नहीं आती है, बहुत आती है, लेकिन मैं उस टाइम पर शांत हो जाती हूँ, बिल्कुल शांत हो जाती हूँ, किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ। जो लोग मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं ना, उनसे मैं अलग हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं। मैं अगर खुद खुश नहीं रहूँगी तो मैं जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं उनको कैसे खुश रख पाऊँगी। मेरी जिम्मेदारी है मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को खुश रखना। तो इसके लिए जो लोग मुझे दुखी कर रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे तंग कर रहे हैं, उनसे मैं हट जाऊँ ताकि मेरे साथ जुड़े लोगों को मैं खुशी दे पाऊँ। मैं यहाँ पे इस धरती पर लोगों को दुख देने के लिए नहीं आई हूँ, कोई भी नहीं आया है। दुख देते हैं जो लोग ना, उनको भी दुख देने के लिए भेजा नहीं गया, वो तो उनकी आदत है दुख देने की। दुखी रहने की और दुख देने की आदत को छोड़ के खुश रहने की और खुशियां बांटने की आदत को अपनानी चाहिए। और जैसे इसमें राइटर ने जो लिखा था कि जिस पल आपकी मृत्यु हो जाती है उसी पल से आपकी पहचान एक बॉडी बन जाती है, ये बहुत सच है। मैंने खुद अपने पापा के टाइम पे देखा था। जो लोग कल तक अंकल बुलाते थे मेरे पापा को, जब मेरे पापा के जब लास्ट टाइम था, आके बोल रहे थे बॉडी कब निकलेगी। अंकल बुलाने वाले ये पूछ रहे बॉडी कब निकलेगी। ये मैंने खुद देखे अपने आंखों से, खुद एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में, ये बहुत सच है। तो इसके लिए ज़िंदगी जब तक है जीना है, खुश होके जीना है, खुश रहने के लिए और हर खुशी को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना है।
और जितना हो सके हम पनीर खाएं या दाल खाएं, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बस हमें खुश रहना है। तो खुश रहिए और हमेशा खुश रहिए, यही मैं प्रे करती हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और मुझे अगर आप चाहते हैं कि आपके थ्रू मुझे थोड़ी खुशी मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा अपना सपोर्ट और प्यार दे देना। थैंक यू सो वेरी मच, बने रहिए मेरे साथ में। लव यू ऑल, बाय बाय।